इसके ऊपर 2 पॉइंट शो कर रहा है बेटे, पी एज वेल एज क्यू, पी एज वेल एज क्यू, ठीक है बच्चे। तो ये पी और क्यू और साथ में आपका बैटरी लगा है, ऊपर लगाओ नीचे लगाओ वन एंड द सेम थिंग, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से जाता है बच्चे। नाउ ही सेज व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली एट पी एंड क्यू, क्या कोई बच्चा बता सकता है? पी एंड क्यू, तो आप देखोगे ये दोनों पी एंड क्यू दोनों ही किनारे से इक्वी डिस्टेंट है, जितना ये अंदर है उतना ये अंदर है, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पी इज गोइंग टू बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट क्यू, दोनों की बराबर होगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, राइट। एक्सिस पर है, स्टेट वन वे इन विच द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द करंट कैरिंग हेलिकल कॉयल कैन बी चेंज्ड। देखो ध्यान से सुनो, बोल रहा है कि आप ऐसा क्या मेथड बताओगे कि मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर आप चेंज कर सकते हो। कैन एनीबॉडी टेल मी बेटे, कैन योर सेल्फ टेल मी कि इस एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड हो उसको हम वेरी कर सके, एनीबॉडी? अगर आपको आंसर ना पता लगे ना सर इसका क्या आंसर होएगा, आप उस कंसर्न्ड पॉइंट पे फार्मूला देखा करो। फार्मूला क्या कराया बेटे टीचर ने आपको, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन ऑन द एक्सिस ऑफ इनफाइनाइट सोलेनोइड एक्सेप्ट एट द एंड्स, क्या करवाया था बेटे? म्यू एन आई, याद है आपको बच्चे? अब देखो एक बार सोलेनोइड उसने हमें बनाकर दे दिया, तो हम ऐसे कौन सी चीज है जिसको चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकते। सो आप कहोगे सर करंट को चेंज कर दो, इज दैट क्लियर? यस और नो? इफ यू वेरी द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट नेचुरली यू विल गेट दी अनदर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कोई बच्चा मेरे से ये पूछना चाहे सर ये क्या है, आप मैं लास्ट टाइम बताया था आई इज द करंट फ्लोइंग इन द कॉपर कॉयल, एन इज व्हाट, क्या नाम बताया था एन का, कोई बताएगा बच्चे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अगर ये टोटल टर्न्स कितनी हो, 1 2 3 ऐसे ऐसे लास्ट वाली एन हो और इसकी लेंथ एल हो, तो टोटल टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ, इसको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोलते हैं। और ये म्यू क्या होता है? चुंबकीय लाइनों को गुजर पाने की कितनी परमिशन मिली, मैग्नेटिक परमीएबिलिटी, बस इसको याद रखना। तो इसका आंसर है कि हम करंट की वैल्यू को चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर देंगे। इज इट क्लियर टू माई स्टूडेंट्स? अच्छा एक बात और, इसको मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा बेटा, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जो बाथिंग सोप होता है ना नहाने वाला साबुन, उसको बनाने का एक ही मेथड है, बस एक ही मेथड केमिस्ट्री के मुताबिक, लेकिन फिर भी कोई साबुन 10 रुपए का मिल जाता है, कोई मार्वल का 150 का मिलेगा, पियर्स का और भी महंगा मिलेगा बेटे, है ना, लिरिल का सस्ता मिल जाता है, फिर रेट क्यों अलग अलग है जब सभी का मैन्युफैक्चरिंग मेथड एक है, मेन कंटेंट वही है, बाकी एड ऑन डाल देते हैं ऑयल फ्रेग्रेंस ये वो, तो अगर मेन कंटेंट वही है तो रेट में इतना फर्क क्यों जानते हो, और हम लोग खरीदते भी हैं, इसलिए कि सभी की पैकिंग अलग अलग है। तो यहाँ टीचर क्या कहना चाहता है, टीचर ये कहना चाहता है अगर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो तो अपने क्वेश्चन के आंसर को अच्छी पैकिंग दो, आई मीन टू से प्रेजेंट इन ए गुड मैनर। कैसे कैसे करते हैं गुड मैनर में, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आपने लिखा और वो यहां पर खत्म हो गया, राइट, नाउ यू हैव टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4, तो आप पेपर में डबल लाइन लगाओ, डबल लाइन लगाई,
फिर आप यहां लिखो क्वेश्चन नंबर 4 और इस तरह का एरो डालो, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 के कितने मार्क्स हैं, जैसे 3 मार्क्स हो उसको यहां पर लिख दो, ताकि वो आपको भी इंपल्स देता रहे कि आप 3 मार्क्स के लिए ज्यादा टाइम तो नहीं लगा रहे। तो आपने 3 मार्क्स के मुताबिक उसका आंसर ये लिख दिया। जब रिवाइज करोगे तो कीवर्ड्स को, जो भी कीवर्ड्स हैं कि टीचर की उसके ऊपर नजर पड़े, उनको खुद ही अंडरलाइन करोगे कीवर्ड्स को, ओके। और मान लो आपको इस क्वेश्चन के बारे में ज्यादा नॉलेज है, लेकिन आपको लगता है 3 मार्क्स का आप लिख चुके हो, 3 मार्क्स का लिख चुके हो, पर नॉलेज आपको ज्यादा है, तो आपने अभी नहीं लिखना उसको, आपने यहां पर 2 लाइनें छोड़ देनी है। फिर यहां पर डबल लाइन लगानी है, लेकिन डबल लाइन लगाने से पहले आपने क्वेश्चन की क्लोजिंग करनी है। तो योर क्वेश्चन इज बिटवीन दीज 2 एरोज, और ये 2 लाइनें कब है, जब हम पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे अगर लास्ट में टाइम बचा तो। गॉट इट? तो यहां हम एड ऑन कर देंगे अपने पॉइंट, नहीं बचेगा तो छोड़ देंगे। इस तरह से आपने फिर क्वेश्चन नंबर 5 को शुरू करना है। ऐसे अगर आप प्रेजेंट करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, राइट। ये आपको वो टीचर बता रहा है, ध्यान से सुनना, ये आपको वो टीचर बता रहा है जो अपनी स्टूडेंटशिप में सारी क्लासों में भगवान की दया से फर्स्ट रहा, क्योंकि मैं प्रेजेंट बड़ा अच्छा करता था, नॉलेज अपने बच्चों को मैंने सिखाया, समझदार बच्चा इसको पकड़ लेगा बात को। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, 4th। ए सर्किट कंटेन्स ए बैटरी, वेरिएबल रजिस्टर एंड ए सोलेनोइड एज शोन इन द फिगर। अ वेरी द फिगर बिलो शोज द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन द सोलेनोइड। क्वेश्चन, स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट्स द रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रोंगर। बता सकते हो बेटे? शाबाश, हमारे पास उसने क्या किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हाट ही हैज डन, उसने बेटे हमारे को एक ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव करके, और यहां पर वेरिएबल रजिस्टर लगा के ऐसे भी बना देते हैं वेरिएबल रजिस्टर, और यहां पर कॉयल बनाया हुआ है बच्चे, तो वो बोल रहा है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहां से उसने एंटर करवाई है। गॉट इट? तो निकली कहां से होगी, डाउनवर्ड्स। कोई बच्चा बता सकता है नॉर्थ किधर होएगा, ये वाला पोर्स ए पॉइंट नॉर्थ है या बी पॉइंट नॉर्थ है, एनीबॉडी? बी पॉइंट, शाबाश, क्योंकि बी पॉइंट से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रही है नॉर्थ और साउथ, करेक्ट। सो ए बार मैग्नेट हो गया बच्चे, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेट, वेयर एवर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेटेड, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेटेड, देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा बच्चे वो बढ़ते बढ़ते, ओके। तो अगर एक सोलेनोइड बार मैग्नेट की तरह काम करता है, क्या मेरे को बता सकते हो कि सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगा, बताओ? शाबाश बच्चे, एक तो आप बोलोगे कि देखो, एक तो आप इसमें ये आंसर बताओगे कि एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो एक्सियल पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आउटर पॉइंट क्यू के मुकाबले मैग्नेटिक फील्ड पी पर ज्यादा होगा, पहली बात, ये तो पक्की बात है ना। क्यों ज्यादा होएगा बेटे? क्योंकि क्यू पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर है, जस्ट सी द ओरिजिनल फिगर, राइट। सो आप बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर ऑन द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड इन कंपैरिजन टू द आउटर स्पेस ऑफ द सोलेनॉइड, एंड द रीजनिंग बिहाइंड इज, द लॉजिक बिहाइंड इज, मोर कॉन्सेंट्रेटेड आर द फील्ड लाइन, स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। क्या लैंग्वेज यूज करनी है आपने?
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसी का दूसरा नाम भी होता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोल दो या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप बोल सकते हो। ठीक है बेटे, अब हमारे पास आ गया फ्यूज और पावर के ऊपर सेकंड पोर्शन। कैन बी कॉन्फिडेंटली मूव टू मॉड्यूल 4, से यस और नो। शाबाश, मॉड्यूल 4 करते हैं। मॉड्यूल 4 मेरे को एक बच्चा चाहिए ये वाला। शाबाश, प्लीज कम। सुखलीन, सुखलीन प्लीज कम ऑन द माइक। एबसेंट है बेटे पूजा, पूजा इज प्रेजेंट, पूजा इज ऑल्सो एबसेंट। शगुन, माई गॉड। एनदर वन इज कृषा करके बच्चा है, कोई कृषा? हाँ बेटे, कृषा आप माइक पर आकर मेरे को ये बताने की कोशिश करो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक फ्यूज? तब तक मैं बोर्ड साफ कर। इलेक्ट्रिक फ्यूज, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस। और कुछ और भी तो बताओ बेटे। इलेक्ट्रिक फ्यूज के बिना और कुछ नहीं बोलोगे? एंड व्हेन द फ्यूज मेल्ट इट इसका मटेरियल कौन सा होता है वायर का, बोलो बेटे कॉपर, ना, निक्रोम, कौन सा? फ्यूज वायर का मटेरियल कौन सा बच्चा बताएगा? निक्रोम, ना बेटे ना। और कोई बच्चा? ओपन क्वेश्चन टू एवरी होल क्लास, ओपन क्वेश्चन टू होल क्लास। द टीचर इज आस्किंग व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द फ्यूज वायर। लेड। शाबाश शाबाश शाबाश। सो आप अभी आपने ठीक बताया, आप अलॉय बोलोगे साथ में बेटे, हैं? तो आप क्या पेपर में बोलोगे? इट इज द अलॉय ऑफ टिन एंड लेड। बैठो, तो मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज दे देता हूँ बेसिक। शाबाश, बैठो बैठो। फ्यूज के बारे में देखो, लर्निंग पॉइंट्स देखते हैं कितने इकट्ठे निकलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलोगे अ सेफ्टी डिवाइस, लेकिन बच्चे सिर्फ सेफ्टी डिवाइस से बात नहीं बनेगी, हमने ये भी बताना है कि ये सेफ्टी डिवाइस किसके अगेंस्ट है। क्या ये अर्थक्वेक के अगेंस्ट है? क्या ये फ्लड के अगेंस्ट है? किसके अगेंस्ट? ये सेफ्टी डिवाइस अगेंस्ट वनरेलेबिल, चलो आसान वर्ड लगाता हूं, अगेंस्ट प्रोटेक्ट, अगेंस्ट क्या? इलेक्ट्रिक शॉक, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक। चलो इतना ही बहुत है। दूसरी बात बेटे, आपको इसका सिंबल याद होना चाहिए, ऐसे होता है सिंबल, सिंबल याद होना चाहिए। थर्ड बात बेटे, आपका इसका जो वायर होता है फ्यूज वायर कंसिस्ट ऑफ एलॉय, कौन सा एलॉय बेटे? बोलो कौन सा अलॉय? अलॉय ऑफ SN एंड PB। SN किसका सिंबल है? टिन। PB किसका सिंबल है बेटे? लेड मेटल। ये दोनों मेटल्स है, इनका अलॉय होता है। और क्या खूबी है बेटे इसकी? इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, लो मेल्टिंग पॉइंट। और क्या है जी, और क्या खूबी है इसकी? वर्क्स ऑन दी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट किसने दिया था? गिवन बाय जूल, जूल साइंटिस्ट ने क्या दिया था? वो अगर इतना करंट पास हो और इतना रेजिस्टेंस हो और टीट टाइम के लिए पास करें, तो इतनी हीट पैदा हो जाएगी जो कि फ्यूज वायर को मेल्ट कर देगी।
करंट का स्क्वायर रेजिस्टेंस की पावर 1 टाइम की पावर 1। इसमें करंट को एम्पियर में पुट करना है, रेजिस्टेंस को ओम में पुट करना है, टाइम इज पुट इन द सेकेंड एंड हीट विल कम आउट टू बी इन जूल, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और क्या इसका खास बात है सबसे, ये देखो ध्यान से, अभी जो मैं बताने लगा हूं आपको, अगर ये फ्यूज वायर हो, योर अटेंशन, तो फ्यूज वायर के अंदर मैक्सिमम करंट हैंडलिंग कैपेसिटी, करंट कितना जा सकता है, कब तक, पिघलने से पहले पहले, मैक्सिमम करंट हैंडलिंग कैपेसिटी एंड थिकनेस ऑफ द वायर यानी रेडियस ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनमें यह रिलेशन होता है, आई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, आई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। दैट मींस अगर मैं इधर करंट का स्क्वायर ले लूं और इधर क्रॉस सेक्शनल रेडियस का क्यूब ले लूं, द ग्राफ इज गोइंग टू बी लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन। ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं, सिर्फ स्ट्रेट लाइन नहीं बोलते, लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। इस फार्मूले पे कैसा क्वेश्चन आता है, इस पे ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो अगर मैं इसी फार्मूले को आगे लेके जाऊं तो आप बोलोगे सर आई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आर क्यूब। देखो कॉन्स्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर कॉन्स्टेंट लगाते हैं, तो इसी फार्मूले को अगर मैं दो करंट्स के लिए यूज करूं, एक वायर में आई वन तो आर वन, दूसरी वायर में आई टू, तो उसका आएगा इस तरह से कॉन्स्टेंट लिखते हुए आर टू का क्यूब, और इक्वेशन नंबर 1 को अगर इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करो तो ये रिजल्ट आएगा आई वन बाय आई टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट से कॉन्स्टेंट कट हुआ आर वन बाय आर टू, यहां पर क्यूब और इसका स्क्वायर। तो पेपर में आपसे पूछेगा, देखो इसमें से चार पैरामीटर है, तीन आपको पेपर में देगा, एक पूछेगा, बोलेगा अगर वायर इतनी थिक है R1 क्रॉस सेक्शनल रेडियस वाली, तो वो I1 मैक्सिमम करंट को हैंडल करती है, और अगर I2 की वैल्यू इतनी हो तो वायर का रेडियस कितना होगा, या उल्टा भी, वायर का रेडियस R1 से R2 कर दिया, पहले वो 10 एम्पियर करंट हैंडल कर रहा था, अब कितना हैंडल कर पाएगा। अगर फ्यूज के क्वेश्चन में एक भी पॉइंट आपको नया पता लगा तो नोट कर लो, शाबाश, हरी अब मिलना नहीं है किताबों में, ये 5-6 किताबों, टीचर ने तो बहुत सारी किताबें पढ़ी होती हैं, एक भी पॉइंट आपके लिए नया है और नोट करना चाहिए आपको, अपने आप से झूठ मत बोलना बेटे कि सभी कुछ पता है। मैं देख रहा हूं 2 बच्चे नहीं नोट कर रहे कुछ भी, उनके लिए कुछ भी नया नहीं, आई थिंक Which is not true. मेरे को पता है ये बात, मैं टीचर हूं। So fuse के बारे में हमने ये चीजें नोट करी, और एक नीचे स्टार पॉइंट लिखना, नाउ ए डेज फ्यूज आर रिप्लेस्ड बाय MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये फ्यूज के बारे में इतनी सारी बातें बताई आपको, और ये तो आपको पता ही है कि घरों के जो लोड होते हैं वो पैरेलल में वर्क करते हैं। एक बात और मैं बताऊंगा आपको, फिर हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। अगर आपसे हीट का फार्मूला पूछ ले बेटे, हीट का, बहुत से बच्चों को हीट का सिर्फ यही फार्मूला पता होता है, आई स्क्वायर आर टी, ये तो है ही है, इसके बिना 2 हीट के फार्मूले, अनदर 2 पॉपुलर फार्मूले, हीट इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम, ये भी होता है। हीट का अनदर फार्मूला, वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस ब्रैकेट इंटू टाइम, ये भी है हीट का फार्मूला। इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट। इलेक्ट्रिक पावर का एक और फार्मूला है, कौन सा,
वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक पावर का एक फॉर्मूला और भी है, कौन सा? करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक पावर का एक फॉर्मूला और भी है, कौन सा? वर्क अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक पावर का एक फॉर्मूला और भी है, कौन सा? हीट अपॉन टाइम। हीट अपॉन टाइम। और एक बात बताना चाहूंगा, अब मान लो अगर आपको हीट का यही फॉर्मूला याद है, ओनली दिस, बाकी आप भूल गए, तो आप ओम्स लॉ को याद करो, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। अगर ओम्स लॉ से एक बार आप V की वैल्यू पुट कर दो, V की वैल्यू मेंटली पुट करके देखो, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, और अगर इसमें I की वैल्यू पुट करोगे तो ये वाला बन जाएगा। तो इंटरकन्वर्टेबल फ्रॉम ओम्स लॉ, राइट? और इससे हीट का फॉर्मूला एक और भी आ जाएगा, कौन सा? पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू हीट। और एक बात, पावर को जब भी पुट करना है आपने वाट में पुट करना है, लेकिन कभी कभी इसकी यूनिट किलोवाट दिया होता है, तो आपको याद होना चाहिए 1 kilowatt इज इक्वल टू 1000 watt। पावर का एक और पॉपुलर यूनिट है, कौन सा बेटे? हॉर्स पावर। 1 horsepower हाउ मेनी वाट? एनीबॉडी? 1 horsepower में कितने वाट होते हैं बेटे? नोबॉडी। वन हॉर्स पावर हाउ मेनी वाट? अच्छा आपको ये पता है, मुस्लिम का आई एम नॉट ए मुस्लिम, पर मैं एक मेमोरी टूल बता रहा हूं, मुस्लिम का रिलीजियस नंबर होता है ये, उसमें से 40 माइनस कर दो, माइनस कितना आएगा? 746 वाट होता है। ये मैंने तुम्हें एक तरह से मेमोरी टूल दिया, ओके 740। तो आगे बढ़ने से पहले ये सारा रिवाइज कर दो एक बार, शाबाश। नाउ लेट्स मूव क्वेश्चन 1। इन द इलेक्ट्रिक फिटिंग इन ए हाउस, बेटे बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? बोलो बच्चे, इलेक्ट्रिक फिटिंग जो होती है हाउस में, कौन सी ऐसी वायर होती है जो स्विच में से जाती है? अगर हम चाहें तो लाइव और न्यूट्रल दोनों को निकाल सकते हैं स्विच में से, अर्थ को भी, लेकिन जो ज्यादा सेफ गेम खेलते हैं वो लाइव और न्यूट्रल दोनों को निकालते हैं, पर मिनिमम और मिनिमम लाइव वायर में स्विच के थ्रू जाना जरूरी है, मिनिमम और मिनिमम। तो आप फर्स्ट का ए ऑप्शन लिख दो, फर्स्ट का ए ऑप्शन, लाइव वायर को कट करना, ऑन करना, कट करना, ऑन करना ड्यूरिंग ऑन ऑफ ऑफ द स्विच इज मस्ट। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फ्यूज इज बेस्ड ऑन कौन सा इफेक्ट? बोलो, शाबाश, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। थर्ड क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फ्यूज कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट्स अराइजिंग फ्रॉम एन ओवरलोड एज वेल एज शॉर्ट लोड, शॉर्ट सर्किट ऑफ, शाबाश। तो आपने ये भी बताया सी। क्वेश्चन नंबर 4, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, बोलो शॉर्ट सर्किट में क्या होएगा? देखो बेटे, शॉर्ट सर्किट का मतलब पता क्या होता है? ध्यान से सुनो, ये आपका लाइव वायर है और ये न्यूट्रल वायर है, इसी तरह से इनमें डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए। देखो अगर रेफ्रिजरेटर पड़ा होगा उसके थ्रू ये निकलेंगी, तो कुछ ना कुछ तो रेफ्रिजरेटर का रेजिस्टेंस होएगा या नहीं होएगा? अगर ये दोनों आपस में जुड़ गई, तो आपस में जुड़ गई बाय चांस, तो रेजिस्टेंस तो ना के बराबर हुआ, और जैसे रेजिस्टेंस कम तो करंट ह्यूज,
और करंट ह्यूज, तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, आइस के आरटी, हीट भी ह्यूज, करंट ही ह्यूज है, उसका स्केयर तो और भी ज्यादा होगा, हीट विल बी ह्यूज, दैट इज वाई द वायर ऑफ द फ्यूज विल मेल्ट। तो आप क्या कहोगे, जब ये शॉर्ट सर्किट होती है लाइव और न्यूट्रल वायर के टच होने से, तो करंट हैवीली इंक्रीज हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन टिक करूं, बोलो सी ऑप्शन। शाबाश, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। 1.25 किलोवाट हीटर वर्क्स एट 220 वोल्ट मेन सप्लाई, व्हाट इज द करंट रेटिंग वुड बी अ सूटेबल फ्यूज टू हैव। शाबाश, मान लो मैं स्टूडेंट हूं 10th क्लास का, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता ये क्वेश्चन करना कैसे है, तो मेरे टीचर ने टिप दिया था मेरे को, क्या टिप दिया था उसने, बोला टीचर ने कि आप दिए हुए डाटा की यूनिट देखो, तो मैंने देखा दिए हुए डाटा की यूनिट है किलोवाट, फिर मैंने ऐसे याद करा किलोवाट सर ने किसका कराया था, किसका कराया था, किलोवाट सर ने मेरे को पावर का कराया था, मैं चुपचाप इसको पावर लिख दूंगा। फिर सर ने बोला था वाट में पुट करना है ऐसा यूनिट में, तो मैंने इस 1000 का बेनिफिट लेते हुए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हुए इसको शुरू में ही वाट बना दिया। फिर मैंने दूसरी चीज देखी, क्या बताई है सर ने, वो यूनिट, उसने वोल्ट लिखा हुआ है, तो वोल्ट को मैंने वैल्यू भी लिख दी, तो मैंने देखा ये वोल्ट किसकी यूनिट होती है, किसकी होती है, तो आई फाउंड ये पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वी की, इतने वोल्ट। अब मैंने देखा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, करंट रेटिंग, उसका सिंबल लिख दिया। अब मेरे टीचर ने सिखाया था कि कोई ऐसा फार्मूला ढूंढो जो गिवन सिंबल्स और आस्क्ड सिंबल को इन्वॉल्व करे हुए हो, कोई ऐसा फार्मूला होता है जो तीनों को इन्वॉल्व करता है। शाबाश, यू सेड पी इज इक्वल टू वी आई, सो आई कम्स आउट टू बी पी अपॉन वी, सो लेट्स कैलकुलेट, आई इज इक्वल टू 1250 डिवाइडेड बाई 220, इतने एम्पियर करंट होगा, ठीक है, यस और नो। तो ये 25 डिवाइडेड बाय 22 कितना होएगा, ये लगभग बताओ, बोलो बेटे कितना होएगा, लगभग लगभग ये 5 एम्पियर से ज्यादा नहीं होएगा, यस और नो। हाँ, तो अप्रोक्सीमेट आंसर भी पढ़ा हो तो आपने उसको टिक करना, सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5 एम्पियर, ओके, वैसे थोड़ा सा ज्यादा होएगा। क्वेश्चन ये समझ आया बेटे, अभी तक आपको पांचों क्वेश्चन आए हैं समझ, तो प्लीज रेज योर राइट हैंड, हैव यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चन सो फार। शाबाश शाबाश, गुड इंडिकेशन, ये बनता है रेस्पॉन्स, गुड मैनर्स। क्वेश्चन नंबर 6 को स्टडी करते हैं, मैं चाहता हूं 6th वाला क्वेश्चन बेटे ये बच्चा बोर्ड पे आके पढ़े माइक पे। साहिल, साहिल एब्सेंट, अच्छा कृतिका एब्सेंट, कृतिका आओ बेटे पढ़ो इसको। Which one of the following statement is not true? हाँ बताओ, पढ़ने की कोशिश करो, कौन सा डोंट सॉल्व भी करो, एक एक करके पढ़ो बेटे। In a house circuit, lamps are used in parallel. True. Lamps in parallel, true. और क्या, ये तो नहीं है, वो नहीं, आगे चुनो। Switch, fuses and circuit breaker should be placed in the neutral wire. आगे। An electric iron has its earth wire connected to the metal case to prevent the user receiving a shock. Next. When connecting the 3-core cable to a 13 ampere 3-pin plug, the red wire goes to the live pin. हाँ जी बेटे, तो मैं पहले तो ये बताओ, ए वाला तो ट्रू है, डी वाला बहुत आसान है, क्या लाइव वायर रेड होती है, यस और नो? यस यस, ये भी ट्रू हो गया। अब एक चीज और देखो, क्या इलेक्ट्रिक वायर में, इलेक्ट्रिक जो प्रेस है, कपड़े प्रेस करने वाली आयरन, उसमें जो अर्थ की वायर होती है ना, वो हमेशा
मेटल की बॉडी से स्क्रू करते हैं हम उसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, नॉट ओनली प्रेस, रेफ्रिजरेटर में, टीवी में, जो भी मेटल का पार्ट होगा उससे जोड़ते हैं। तो ये भी ट्रू हुआ बेटे। और ये देखो, ये सर्किट फ्यूज और स्विच कौन सी वायर में लगने चाहिए? लाइव वायर में लगने चाहिए मेनली, ठीक है। तो इसने किस में लगाया क्वेश्चन में? न्यूट्रल वायर में। गॉट इट? तो ए बी ऑप्शन गलत है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन में बी ऑप्शन गलत है, तो हमारा आंसर बी ही होएगा, सिक्स्थ का बी, क्योंकि हमने गलत वाला छांटना है। बैठो, शाबाश। सेवंथ क्वेश्चन आई विल रीड। थ्री अप्लायंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम सोर्स विच प्रोवाइड्स अ वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। अ फ्यूज कनेक्टेड टू द सोर्स विल ब्लो इफ द करंट फ्रॉम द सोर्सेज एक्सीड्स 10 एम्पियर। ओके, ध्यान से सुनो। सप्लाई कितनी है? वी सप्लाई 220 वोल्ट। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? सेवंथ। और करंट का मैक्सिमम करंट रेटिंग कितनी है फ्यूज की? मैक्सिमम करंट रेटिंग दैट इट कैन हैंडल फ्यूज, दैट इज योर 10 एम्पियर। इफ द थ्री अप्लायंसेस, ये वाला लगे हुए हैं, राइट बेटे, थ्री की बजाय चलो 60, हाँ थ्री लगे हुए हैं, तो फ्यूज कब ब्लो करेगा? ध्यान से देखना, योर अटेंशन। फ्यूज विल विल द फ्यूज ब्लो, बताना है हमने फ्यूज ब्लो करवाएगा कि नहीं। ध्यान से देखो, अगर मैं फर्स्ट लोड ले लूं, लोड नंबर वन, और उसमें पी वन इक्वल टू आई वन वी वन, तो मैं उसमें डाटा भरता हूं, पी कितना है 60 और वोल्टेज कितना है सभी के लिए 220 और आई वन, तो पक्की बात है ये जो भी हम आई वन निकालेंगे ये 10 एम्पियर से तो कम होएगा फ्यूज की रेटिंग से, इसलिए लोड नंबर वन फ्यूज को नहीं ब्लो करेगा। लोड नंबर टू उसमें भी ऐसे ही लगाएंगे, क्या नाम क्या लगाएंगे उसमें? पी टू इज इक्वल टू वी टू आई 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 टू कर दो, चलो आई, वोल्टेज तो सेम ही है, पावर कितने सेकंड 500, वोल्टेज कितना 220, तो ये कितना आई टू, आई टू कितना हुआ बेटे 500 डिवाइडेड बाय 220, सॉरी 500 डिवाइडेड बाय 220, ये भी लेस देन 10 एम्पियर आएगा, देखो डबल के आसपास से थोड़ा ज्यादा, 10 तो नहीं आएगा, इसलिए इसमें भी फ्यूज नहीं ब्लो करेगा। तीसरे में देखते हैं, पी थ्री इक्वल टू वी थ्री आई थ्री, तो आई थ्री इज इक्वल टू पी थ्री कितना दे रखा है बेटे हमें 1200 और इधर 220 वोल्ट, ये भी देखो अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 एम्पियर के आसपास आएगा, पर 10 एम्पियर से ये भी कम होएगा, तो लोड वन से ब्लो नहीं करेगा, लोड टू से ब्लो नहीं करेगा, लोड थ्री से भी ब्लो नहीं करेगा, तो आप बोलोगे तीनों के तीनों लोड करंट को 10 एम्पियर से कम मांग रहे हैं, उनकी डिमांड कम है, इसलिए फ्यूज ब्लो करेगा या नहीं करेगा? टेल योर आंसर नो। तो यू विल आंसर, इस तरह से लॉजिक कैलकुलेशंस करके देनी है आपने वहां पर। क्वेश्चन नंबर 8, अ वैक्यूम क्लीनर ड्रॉज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्रॉम द मेन सप्लाई, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ द फ्यूज टू बी फिटेड इन ए सर्किट? बताओ, एक वैक्यूम क्लीनर 2 एम्पियर करंट खींचता है अपने काम करने के लिए, कितना फ्यूज लगाऊं? शाबाश, बताओ बताओ बेटे, समझ ही नहीं रहे आप। ध्यान से देखो, ये आपका वैक्यूम क्लीनर हो गया, एक मिनट बेटे मैं जरा इसका रिंगर बंद कर दूं। तो वैक्यूम क्लीनर लगाया हमने, तो यहां से बेटे इसका वायर होता है और आपको पता है यहां पर इसका 2 पिन प्लग है वैक्यूम क्लीनर,
और यहां से लाइव वायर आ रहा है इसको मिलने के लिए ऐसे, और दूसरे पिन से करंट जाता है, वो न्यूट्रल वायर होता है। तो ये करंट कितना डिमांड कर रहा है अपने काम करने के लिए? 2 एम्पियर। तो हमारा जो लाइव वायर के ऊपर फ्यूज लगा होएगा वो 2 एम्पियर से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। आप कह सकते हो इट कैन बी 2.2 एम्पियर और 2.3 एम्पियर, बस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज कितना हो? 2.3 एम्पियर। क्यों? क्योंकि बाय चांस किसी बच्चे ने इसको हाथ लगा दिया नंगी तार को, तो बच्चे को इसका हाथ लग गया तो बच्चे की बॉडी से होता हुआ करंट अर्थ को चला जाएगा, एंड अर्थ इज ए ह्यूज लॉर्ड। और जैसे ही अर्थ को जाएगा तो वो ज्यादा करंट खींचेगी, ज्यादा करंट खींचेगी तो ये करंट 2 एम्पियर से बढ़ के इसको भी क्रॉस कर जाएगा करंट रेटिंग को फ्यूज की। जैसे ही इसको ज्यादा फ्यूज को करंट रेटिंग कर देगा, बढ़ जाएगा, आई स्क्वायर आरटी के फार्मूले से फ्यूज की वायर मेल्ट हो जाएगी। तो फ्यूज की वायर ऐसे जुड़ी हुई थी तो वो ऐसे हो जाएगी, टूट जाएगी बीच में, तो सर्किट ब्रेक होने से ये बच्चा बच्चे की मौत होने से बच जाएगा। ओके, तो आप बोलोगे फ्यूज करंट रेटिंग शुड बी लिटिल मोर देन द डिमांडिंग करंट ऑफ वैक्यूम क्लीनर, इट कैन बी 2.3 एम्पियर एट द मैक्सिमम। समझ आ गया बेटे? आगे वो लिखता है व्हाट हैपन इफ 13 एम्पियर फ्यूज इज फिटेड। तो आप कहोगे 13 एम्पियर तो बिल्कुल ही गलत है। वही, अगर करंट फ्यूज की रेटिंग 13 एम्पियर लगाओगे विच इज वेरी वेरी लार्जर देन 2 एम्पियर, विच इज वेरी वेरी लार्जर देन 2 एम्पियर, यस और नो? तो इससे तो बच्चे का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, फिजिकली हैंडीकैप हो सकता है बच्चा। ओके, अंडरस्टूड और नॉट? ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल स्टिल बी डेंजरस इवन इफ द फ्यूज ब्लोज ऑफ एंड इलेक्ट्रिक वायर स्टॉप्स वर्किंग ड्यूरिंग द सर्किट? बताओ नीचे वाले में कौन सा गलत है, कौन से सर्किट में गलत जगह पर फ्यूज लगा हुआ है? बोलो बेटे, सेकंड वाले में। ए, बिल्कुल सही। कोई बता सकता है क्यों? कोई बता सकता है क्यों बेटे? ये देखो, ध्यान से सुनो। फर्स्ट केस में फ्यूज कहां पर लगा हुआ है? ध्यान से देखो, लाइव वायर पे लगा है जो कि करेक्ट है। और कोई भी लेडी यहां पर अगर घर में काम कर रही है और उसके पास ये आयरन है, उसको अगर करंट लगा तो उस लेडी की बॉडी से होता हुआ करंट धरती को चला जाएगा और ये फ्यूज उड़ जाएगा। तो न्यूट्रल वायर अगर लगी है उससे कोई लिंक ही नहीं है। लेकिन अगर यही फ्यूज हमने न्यूट्रल वायर पे लगा दिया होता, लाइव वायर को ऐसे ही रखा और इलेक्ट्रिक वायर को गया, राइट, तो इस लेडी को अगर यहां से करंट लगा और फ्यूज लगा हुआ है लेकिन न्यूट्रल वायर पे लगा हुआ है गलती से, तो सर्किट तो इधर से ही पूरा हो गया, लाइव वायर से लेडी की बॉडी से होता हुआ और जमीन को चला गया, अर्थ को, तो वो तो पूरे सर्किट में आ गई, उसकी तो मौत हो जाएगी। इस फ्यूज का कोई मतलब ही नहीं, इधर तो करंट जाना बंद हो जाएगा। ओके, तो फ्यूज फ्यूज शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड ऑन व्हाट? बोलो, लाइव वायर। शाबाश, अदर्शन रीजन। मेरे को ये बच्चा चाहिए प्यारा सा, सिमरन सिमरन एब्सेंट। ओके, अंजलि, वाह भाई, जस्मीन, कमाल है। जितनी बार एब्सेंट आप कह रहे हो इतनी बार तो मैं राम राम भी नहीं कहता। रमन आ जाओ बेटे, रमन आ जाओ बेटे। रमन आप 10th क्वेश्चन पढ़ोगे, दर्शन रीजन। बाकी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। शाबाश, वी आर नियरिंग टारगेट। If too many electrical appliances of high power rating are switched on at the same time, then a fire may be started. Reason: all these electrical appliances draw an extremely large current from the circuit.
अगर बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ऑफ हाई पावर रेटिंग आर स्विच्ड एट द सेम टाइम तो फायर उठ सकता है, बोलो सही है या नहीं? यस बेटे, जानते हो क्या होता है? अगर बहुत सारे अप्लायंसेस को, फ्रिज को, गीजर को, बड़े बड़े जो होते हैं कूलर को, बड़े वाला डेजर्ट कूलर, एसी को, इनको हम चारों को इकट्ठे ऑन कर दें तो एकदम से वायर में करंट आएगा। तो वायर में करंट आएगा तो जहां पर इनके प्लग लगे होते हैं, प्लग ऐसे सॉकेट में लगे होते हैं तो उसमें हल्का सा एयर गैप होता है, तो वहां पर जो हवा होती है वो आयोनाइज हो जाती है। आयोनाइज होने से स्पार्क पैदा होता है, चिंगियाड़ा जिसको बोलते हैं। अगर वो स्पार्क स्विच में से निकल के नीचे सोफे पर गिर गया तो सोफे को आग लगेगी और घर को आग लग जाएगी। ओके, सो इसका मतलब याद रखना, हाई वाटेज जो लोड होते हैं, जो ज्यादा करंट की डिमांड करते हैं, उनको इकट्ठे नहीं ऑन करना, एक एक करके ऑन करना है। गीजर को अलग करना है, फिर 2-3 सेकंड के बाद एसी को, 2-3 सेकंड के बाद फ्रिज को, फिर कूलर को। बता देना घर में जाकर पेरेंट्स को भी, मम्मा को, पापा को, कि ऑल द हैवी लोड्स, ऑल द ह्यूज करंट डिमांडिंग लोड शुड नॉट बी स्विच्ड ऑन कलेक्टिवली। रीजन, ऑल द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ड्रॉ एक्सट्रीमली लार्ज करंट फ्रॉम द सर्किट। ठीक है, ये ठीक है। वैसे मैंने आपको आग लगने की प्रोसेस बता दी कि जहां पिन होते हैं प्लग के और उधर से जो सॉकेट होती है जिसमें डालते हैं, दोनों में के बीच में जो एयर होती है टचिंग पॉइंट पर, वो प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूट जाती है। आयोनाइजेशन जब भी होती है तो इलेक्ट्रिक स्पार्क पैदा होता है। वो इलेक्ट्रिक स्पार्क अगर सॉकेट से ऐसे बाहर निकल के किसी भी ज्वलनशील चीज के ऊपर गिर गया, फ्लेमेबल मटेरियल पर, तो आग लगेगी। क्वेश्चन नंबर 11 बेटे, असर्शन बताओ। वी कैन प्रिवेंट अवर सेल्फ फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक बाय द यूज ऑफ फ्यूज एज ए सेफ्टी डिवाइस, यस और नो? रीजन, फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द लाइव वायर इन सीरीज। यस ठीक है, लाइव वायर की सीरीज में लगाना है फ्यूज, फ्यूज को कभी भी पैरेलल में नहीं लगाना बेटे। अगर आपने फ्यूज को पैरेलल में लगा दिया तो वो किसी एक लोड के लिए काम करेगा, जैसे फ्रिज के लिए, बस फ्रिज से इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, उससे डेथ नहीं होने देगा। लेकिन अगर गीजर से इलेक्ट्रिक शॉक लग गया तो फैमिली मेंबर एक्सपायर हो सकते हैं, तो फ्यूज शुड बी इन सीरीज विद द लाइव वायर। क्वेश्चन नंबर 12, अजर्शन बताओ, यस और नो? ट्रू। अभी अभी टीचर ने बताया था, ध्यान से सुनना, बहुत से बच्चों को शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग में कंफ्यूजन होती है। लिसन, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है लाइव वायर का और न्यूट्रल वायर का आपस में एक्सीडेंटली टच हो जाना, शॉर्ट सर्किट, और ओवरलोडिंग का मतलब यह होता है एक वायर जितना मैक्सिमम करंट जा लेके जा सकती है, मैक्सिमम करंट वायर के अंदर मैक्सिमम करंट हैंडलिंग कैपेसिटी है, उससे भी ज्यादा करंट खींच लेना, उससे भी ज्यादा करंट लेने की कोशिश करना और वो पिघल जाएगी तो इधर उधर आग लगा देगी वो। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग का मीनिंग क्लियर हो गया दोनों में डिफरेंस बच्चों को? बोलो यस और नो। अगर कल को आ जाए 2 मार्क्स क्वेश्चन, व्हाट इज शॉर्ट सर्किट, व्हाट इज ओवरलोडिंग, तो यू विल से द एक्सीडेंटली टचिंग ऑफ लाइव एंड न्यूट्रल वायर इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग, एज ए रिजल्ट ऑफ विच ह्यूज करंट विल बी ड्रॉन, एंड ओवरलोडिंग इज द पुलिंग द करंट बाय द लोड मोर देन द करंट हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ द वायर, मोर देन द करंट हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ द वायर, उससे वो वायर गर्म हो के पिघल जाएगी, आग लगने के चांसेस रहेंगे। ओके, और 12th का रीजन, ए फ्यूज वायर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट, यस और नो? बिल्कुल सही, फ्यूज
फ्यूज वायर में मेल्टिंग पॉइंट लो, रेजिस्टेंस हाई, सही है। ओके अच्छा एक बात और, इस चैप्टर में एक और आर्टिकल है, वो वैसे बोर्ड ने निकाल दिया है, सीबीएसई ने, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर, है ना। तो वो कुछ वो वाला आप एक जस्ट सेफर साइड पढ़ लेना, ऐसे एक सरसरी रीडिंग मार देना एक बार बुक में से, अदरवाइज एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है पर सिलेबस में से निकाल दिया इस बार इन्होंने, तो अदर एक जस्ट फॉर द सेफर साइड कहीं उसमें से डाल ना दे, एक ऐसी लेयरली एक रीडिंग मार देना। ओके तो बेटे मैं आपको उम्मीद कर सकता हूं मेरे बच्चों को ये असाइनमेंट से बहुत ज्यादा क्लैरिटी होगी चैप्टर की, बोलो यस और नो। आप कोई अपनी एडिशनल चीज पूछना चाहते हो और करंट इलेक्ट्रिसिटी पे कुछ करना चाहते हो? अगर आप कल आते हो तो मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट या उसकी समरी समरी या कॉन्सेप्ट करा दूंगा, अगर आप आते हो तो मैसेज छोड़ देना, आपको सिर्फ समरी, अगर मैं समरी भी करा दी आपको पता है टीचर कितना फास्ट करा सकते हैं, एक ही लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे पॉइंट बता दूंगा एक ही लेक्चर में। अगर रिवीजन करना चाहते हो सिर्फ कॉन्सेप्ट की पेपर से पहले पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो अपने मैम को बता देना, वो हमें मैसेज दे देंगे, आई विल थॉरली रिवाइज विद इन वन लेक्चर, ठीक है। ये आप म्यूचुअल कॉन्सेंट से बताना, आपकी विश पर है ये, नहीं बोलोगे तो नो, यस बोलोगे तो ये। ओके बेटे आज का लेक्चर समझ आया तो क्या इंडिकेशन है, क्या बात, दैट्स द पॉइंट, वेरी नाइस वेरी नाइस, अब आपको मेरी आदतें पता लग गई। थैंक यू बेटे, थैंक ऑल फॉर टुडे।